हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी। आज मैं सबके साथ NIBA की न्यूली लॉन्च लिपस्टिक के बारे में रिव्यू शेयर करने जा रही हूं। ये मैट लिपस्टिक है और ये purple.com पे अवेलेबल है। इसकी प्राइस 125 रुपीज़ है और ये डिलीवरी चार्जेस के साथ अप्रॉक्स 175 रुपीज़ की पड़ती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लिपस्टिक कैसी है और मुझको ये कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की। ये 125 रुपीज़ की है। इसके सारे शेड एक ही प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, 125 रुपीज़, और ये डिलीवरी चार्जेस के साथ 175 रुपीज़ की पड़ती है। ये हम सिर्फ purple.com से ख़रीद सकते हैं और इसके बहुत सारे शेड रेंज आती है, पिंक, मॉव और बहुत सारे इसमें शेड हैं। मैंने इसकी सिर्फ एक ही लिपस्टिक ख़रीदी क्योंकि ये मार्केट में अभी नई आई है और मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने इसके सिर्फ एक एज अ टेस्टर ख़रीदी कि देखूं कैसी है। उसके बाद मैं और भी इसके शेड परचेज़ करूँगी। कहते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये बुलेट पैकिंग में आती है और काफ़ी कंफर्टेबल है यूज़ करने पे। इसका कैप भी काफ़ी अच्छे से बंद हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप इसको पर्स पे कैरी करें तो ये खुल जाएगी। ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। ये हम इसमें ट्रांसपेरेंट कैप है जिसमें हम इसका शेड बहुत इजीली देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी टेक्सचर की। इसका टेक्सचर सेम लैक्मे की सैटिन लिपस्टिक और 9 to 5 रेंज के जैसे कंपेयर। इसका प्राइस काफ़ी कम है, ये सिर्फ 175 रुपीज़ की है और वो 400-500 की 9 to 5 रेंज पड़ती है। विलीन का भी टेक्सचर बहुत कुछ इसी की तरीके है। ये मैट है, सेमी मैट है, ये कम्प्लीटली मैट नहीं है। ये सैटिन फिनिश देती है, बहुत स्मूथ है, बहुत पिगमेंटेड है और इजी टू अप्लाई है, इजी टू रिमूव है। आप इसको ईजिली लगा सकते हो, ईजिली हटा सकते हो। ये लिप्स पे ईजिली ग्लाइड हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लिप्स को बहुत ड्राई करती है और लगाने में डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ईजिली आपके लिप्स पे लग जाएगी। मेरा शेड है फ्रॉम अक्रॉस मैराथन ब्रिज 28। इसमें शेड नेम और शेड नंबर दोनों हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से, आप जो भी कलर पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको स्वाच दिखाती हूँ। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, एक ही स्वाइप में इसने काफ़ी अच्छा डार्क कलर दिया है। डबल आप देख सकते हैं ये सेमी मैट है। मैंने इसको लिप्स पे अप्लाई करके रखा हुआ है। इसको कंप्लीट मैट करना चाहते हो तो आप टिश्यू पेपर से इसको ब्लॉट कर सकते हैं और लूज पाउडर से इसको फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लॉन्गेविटी। ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, आप देख सकते हो। करते हैं इसकी लॉन्गेविटी की, कितनी देर तक का हमारी लिप्स पे रह सकती है। ये 2 से 3 घंटे एज इट इज़ लिप्स में बनी रहती है। जब तक अगर आप कुछ खाएं नहीं, अगर आप कुछ खाएंगे तो ये आपके लिप्स से जाने लगेगी और आपकी लिपस्टिक लाइट हो जाएगी। आप इसको कैरी कर सकते हैं, इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। और इस लिपस्टिक के बारे में तो बस इतना ही। ये मैं लिपस्टिक सबको रिकमेंड करूँगी क्योंकि किसी लोकल ब्रांड से ख़रीदने से अच्छा है कि हम 125 रुपीज़ पे करके कोई अच्छी ब्रांड की लिपस्टिक परचेज़ कर ले। ये ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में तो इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब के लिए बाय।